नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। कहा जाता है यूपी की राजनीति और यूपी की जनता को समझना इतना आसान नहीं है। यहाँ की जनता किसको सूबे की सत्ता सौंप दे और किसको कुर्सी से नीचे उतार दे, ये समझना बहुत मुश्किल है। बीते दिन यूपी में एक बार प्रचंड जीत के साथ सियासी मैदान में शानदार नतीजे के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि यूपी में कौन से फैक्टर जीत की वजह बने, प्राइम टीवी की इस खास रिपोर्ट में। जहाँ एक तरफ तमाम विपक्षी दल बेरोजगारी, कोरोना और किसान आंदोलन के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने और जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं योगी मोदी फैक्टर ने सभी विपक्षी दलों के छक्के छुड़ाते हुए विपक्षियों के नेगेटिव इंपैक्ट को बेअसर करते हुए जीत की नई कहानी लिख दी। लेकिन इस बार के चुनाव से ये स्पष्ट हो गया है कि आज भी हिंदुत्व का मुद्दा फिलहाल राजनीति की धुरी बना हुआ है। चुनाव प्रचार के दौरान भी योगी और मोदी समेत तमाम दिग्गजों के भाषणों में हमने सुना था कि वो बेझिझक हिंदुत्व का मुद्दा उठाते हैं, रामनगरी अयोध्या पर चर्चा करते हैं, उनके मंत्री खुद मथुरा का मुद्दा उठाते हैं। और यही वजह रही कि केवल भाजपा नेता ही नहीं, अखिलेश, प्रियंका भी प्रदेश की धर्म नगरियों के चक्कर काटते नजर आए। आपने देखा होगा कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने न्यायालय में अपील लगाई कि राम जन्मभूमि मंदिर से संबंधित मामले की सुनवाई 2019 के बाद हो, और जो लोग 2019 के बाद सुनवाई की बात कर रहे हैं वे लोग आज कहते हैं कि मंदिर क्यों नहीं बन रहा है। आपको लगता नहीं, एक तरफ कोर्ट में अर्जी लगाते हैं और दूसरी तरफ यहां समाधान की बात भी करते हैं, ये दोनों बात नहीं चल सकती। भाइयों बहनों, हम सबको इसको समझने का प्रयास करना होगा। और इस बात को हम कह सकते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इस अखल ब्रह्मांड के स्वामी हैं। स्वाभाविक रूप से अयोध्या में जब भगवान राम, प्रभु राम की कृपा होगी तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर के रहेगा, उसमें कोई संदेह हो ही नहीं चाहिए, किसी को होना ही नहीं चाहिए। फिर इसमें संदेह आपके स्तर पर और फिर इन पूज्य संतों के स्तर पर कहां से विवाद, कहां से संदेह पैदा हो जाता है। इस संदेह के लिए कोई जगह कम से कम हम लोगों के बीच में नहीं होना चाहिए। लेकिन हम उन खड़यंत्रों को समझें जिन लोगों ने बार बार इसमें अवरोध पैदा करने का प्रयास किया। नेचुरली मथुरा के भी बहुत ही जरूरी है, उसका भी बनता है। आज तक जो नहीं हुआ है काफी काम हुआ है। और कृष्ण तो प्रेम और स्नेह का प्रतीक है, उनके लिए उनका जो जन्म स्थल है उसकी मैं सांसद होने की वजह से मैं यही कहूँगी कि हमारे भी एक भव्य मंदिर होना चाहिए। जो है वैसे तो उसका और भी बहुत सुंदर बना सकते हैं। और जैसा काशी में मोदी जी ने विश्वनाथ मंदिर के सामने इतना अच्छा कॉरिडोर बनाया है, काफी जो जगह को जो डेवलप उन्होंने किया है, जहाँ से आप मंदिर से सीधा गंगा तक देख सकते हैं, ऐसा एक परिवर्तन लाया जो बहुत मुश्किल था। पिछले कई सालों से किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा करना चाहिए। जो उनका एक बहुत अच्छा एक दिव्य दृष्टि है, दूर दृष्टि है, और वो उसके हिसाब से उन्होंने किया है, तो मथुरा में भी ऐसा जरूर होगा। 2022 के नतीजों से भाजपा ने 2024 लोकसभा चुनाव का रोड मैप बना लिया है। वह इस चुनावों में एक और चीज स्थापित हो गई कि लाखों मुद्दों के बावजूद मोदी आज भी युवाओं के बीच लोकप्रिय है। मतदाताओं के बीच नरेंद्र मोदी एक ऐसा नाम है जिसे लोग सुनना चाहते हैं, जिसकी लोग चर्चा करते हैं। यही नहीं, मोदी अपने दम पर रैलियों में भीड़ जुटा सकते हैं और उसी भीड़ को वोट में भी तब्दील कर सकते हैं। इस चुनाव के नतीजे योगी मोदी ब्रांड के जलवे का ही नतीजा है। उत्तर प्रदेश के कमबैक में मुफ्त राशन और राम मंदिर के मुद्दे का बड़ा खेल रहा है।
कोरोना काल में जब लोग घरों में कैद थे, आमदनी शून्य थी, खाने को जनता तरसने लगी थी, तब उस दौरान भाजपा ने गरीब तबके के लोगों को मुफ्त राशन देकर राहत दी, जो गरीब परिवार के बहुत काम आया। कमाई नहीं होने के बावजूद लोगों ने भरपेट दोनों समय का खाना खाया। वहीं अगर बात प्रदेश की कानून व्यवस्था की करी जाए तो कई बार योगी पुलिस आलोचना की भी शिकार हुई, लेकिन अपराधियों के खिलाफ नकेल कसने में प्रदेश की जनता ने एक मत के साथ यूपी पुलिस की कार्यशैली को सराहा था और सीएम योगी की अपराधियों के खिलाफ सख्त छवि को भी लोगों ने बहुत पसंद किया था। इस चुनाव में भाजपा ने एक पुरानी रीति को तोड़ते हुए सभी पार्टियों को ये बता दिया कि ये चुनाव 90 के दशक का चुनाव नहीं है, जहां पोस्टर और नारेबाजी का बोलबाला हो, बल्कि सोशल मीडिया का जमाना है, जहां हर प्रत्याशी की जानकारी अब खुद प्रत्याशी के फेसबुक पेज पर मौजूद है। लेकिन इस बार का चुनाव और दिलचस्प तब हुआ जब जनता ने नए चेहरों को खूब पसंद किया। कई जगहों पर नए चेहरों को बम्पर वोट मिले, जबकि इस चुनावों में प्रदेश में कांग्रेस और बसपा का तो सूपड़ा ही साफ हो गया और तमाम क्षेत्रीय समेत जातीय ताकतों की भी कमर टूट गई। अपनी जाति का महत्व बताने वाले कई नेता ऐसे भी रहे जिनको खुद उनके क्षेत्र में करारी हार मिली, फिर चाहे वो भाजपा से सपा में आए स्वामी प्रसाद मौर्य हो या फिर ओपी राजभर, और साइकिल पर सवार हुए धर्म सैनी भी इस चुनाव में करारी शिकस्त खा गए। सबसे हैरान करने वाले नतीजे मायावती की पार्टी बसपा को लेकर रहे। 2007 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने वाली बीएसपी इस चुनाव में एकमात्र सीट ही पाई। बसपा के कई चेहरे भी इस चुनाव में हार गए। विधानसभा चुनावों के नतीजे लोकसभा चुनाव के रास्ते को तैयार करते हैं और इस चुनावी नतीजे से लोकसभा की सियासी पिच तो तैयार हो गई, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि आज भी प्रदेश में योगी मोदी लहर का असर है, जिसका पता यूपी के इस चुनाव से लग गया है। प्राइम टीवी के लिए मुस्कान अजमानी की रिपोर्ट। हमारे खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ बार पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच